सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विश्व अधिकारी ऑलवेज एजुकेशनल। आज हम बात करेंगे जो भी आने वाले दिनों में जो भी एग्जामिनेशन आपका होने वाला है जेई के बारे में, ठीक है। बेसिकली जेई मेन 2024 के बारे में, और कुछ दिनों पहले ही, मतलब कुछ देर पहले हम बोल सकते हैं कि एनटीए के द्वारा एक्चुअली नोटिफिकेशन प्रेस रिलीज़ किया गया है कि किस तरीके से, किस डेट पे आपका एग्ज़ामिनेशन होने वाला है आने वाले दिनों में। तो उसके ऊपर मैं यहाँ पे आपको एक स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो मैं जो डेट है वो आपको मैं बता देता हूँ कि 24 जनवरी से 1 फरवरी के अंदर आपका सेशन 1 जेई मेन 2024 के देखने को मिलेगा, और 1 अप्रैल, मतलब अप्रैल के करीब, अप्रैल महीने में आपको जेई मेन का सेशन 2 देखने को मिलेगा 2024 का। और CUT और नीट का जो एग्ज़ामिनेशन, उसके ऊपर भी प्रेस रिलीज़ हो चुका है। मैं मेनली जेई को कवर करता हूं, इसलिए मैं अभी जेई के बारे में बता रहा हूं। यहां पे जो स्क्रीनशॉट आप देख पा रहे हो, पूरा फुल स्क्रीन में कर दूंगा, आप देख सकते हो कि किस टाइम पे क्या आपका टाइमिंग है। तो आई थिंक आप देख लिए होंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए आने वाले दिनों में, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना चाहिए फॉर जेई। एक्चुअली अगर आप अभी देखोगे तो अभी सितंबर एंड होने जा रहा है, बेसिकली लास्ट वीक आपका स्टार्ट हो गया है आप बोल सकते हो, या स्टार्ट होने वाला है ऐसा भी आप बोल सकते हो। तो बेसिकली आपका सितंबर ख़त्म हो गया है। सितंबर में आप एक काम कीजिएगा, बहुत बढ़िया तरीके से एक प्लान बनाइएगा, क्योंकि अभी आपका प्रेस रिलीज हो चुका है, मतलब ऑफिशियल डेट आपको पता चल गया किस टाइम पे आपका रिजल्ट, सॉरी किस टाइम पे आपका एग्जामिनेशन होने वाला है बेसिकली जेई मेन की। अगर मैं जेई मेन की बात करूँ, सेम तरीके से नीट का भी आप उस तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। कि बेसिकली कोई भी एग्ज़ामिनेशन आप अगर देने वाले हो, कम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन, तो उसके ऊपर ज़रूर से अभी से आपको प्लान बनाना चाहिए। जो भी एक महीने, सॉरी जो भी एक हफ्ता है, लास्ट जो वीक है आपका सितंबर के, उस वीक में आप बढ़िया तरीके से एक प्लान बनाइए, और उस प्लान पे आप काम करना स्टार्ट कर देंगे अक्टूबर से। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो जनवरी भी आप मान के चलिए, तो कम से कम आपका 4 महीने ज़्यादा से ज़्यादा है, और मिनिमम आपका 3.5 महीना रहेगा अगर आप अक्टूबर से बढ़िया तरीके से प्लान स्टार्ट कर दोगे। तो प्लान के अंदर आपको क्या इंक्लूड करना है, बेसिकली मैं एकदम इम्पॉर्टेंट जो इनसाइट्स है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जो भी जेई के ऊपर मैं अगर बात करूँ, या कोई भी WBJEE, अगर WBJEE का जो एग्ज़ामिनेशन के बारे में कोई भी अभी नोटिफिकेशन नया है, लेकिन आप अगर आप अप्रैल लेके भी चल रहे हो और सिर्फ WBJEE के प्रिपरेशन कर रहे हो, तब भी आप इस प्लान को फॉलो कर सकते हो। इस पर्टिकुलर इनसाइट्स को आपका प्लान के अंदर ज़रूर से इंक्लूड कर सकते हो, ये करना भी चाहिए ताकि आपका बढ़िया रहेगा। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कौन कौन सी इनसाइड आपका रहना चाहिए। जो भी आपका प्लान है उसमें आपका फर्स्ट जो चीज़ है, प्रैक्टिस पे ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, लेकिन अभी नहीं। अगर आप जेई की बात करोगे तो आप नवंबर से प्रैक्टिस स्टार्ट कर लो, या दिसंबर से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, मतलब 2 महीने आप प्रैक्टिस के लिए रख सकते हो। इट विल बी एनफ फॉर यू, 2 महीने अगर आप प्रैक्टिस के लिए रखोगे चल जाएगा, आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप नवंबर और दिसंबर की बात करोगे तो नवंबर और दिसंबर और अक्टूबर भी आप ले, सॉरी अक्टूबर और नवंबर, और मेनली अगर जेई की मैं बात करूँ तो अक्टूबर एंड नवंबर आप रखो, जो भी आपका थ्योरी बचा हुआ है उसके ऊपर। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत लोग सेशन 2 के लिए अभी से सोचना स्टार्ट कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। मैं हर साल बताता हूँ कि सेशन 1 इज़ द लास्ट अटेम्प्ट फॉर यू ऑल, जो भी सीरियस एस्पिरेंट है, जो भी थोड़ा सा बिलो एवरेज स्टूडेंट है उनके लिए, मतलब जो थोड़ा सा मेहनती है, मेहनत करके नंबर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, एक अच्छे डिसेंट सा कॉलेज में पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा एम्फेसाइज करना चाहूँगा, जो लोग भी सुन रहे हैं, कि फर्स्ट अटेम्प्ट जो लोग बिलो एवरेज स्टूडेंट है बेसिकली, उन लोगों के लिए मेनली मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, फर्स्ट अटेम्प्ट शुड बी द लास्ट अटेम्प्ट फॉर यू ऑल। तो डेफिनेटली फर्स्ट अटेम्प्ट पे ज़्यादा एम्फेसाइज कीजिए, फर्स्ट अटेम्प्ट ज़्यादा बढ़िया तरीके से दीजिए, क्योंकि उसमें कॉम्पिटिशन भी कम रहता है, बेटर आप स्कोर कर सकते हो, बेटर स्कोर पे आपका बेटर रैंक आने का पॉसिबिलिटी बहुत बढ़िया रहता है। तो डेफिनेटली आप फर्स्ट अटेम्प्ट पे पहले ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए, और बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिएगा कि सेकंड अटेम्प्ट नाम का भी कोई चीज़ है अभी, ठीक है। डेफिनेटली सेशन 1 शुड बी द लास्ट अटेम्प्ट फॉर यू ऑल। जो लोग भी बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, जो लोग भी मेहनत कर रहे हो,
मैं भी ऐसा था, मुझे भी पता था कि क्या एक्चुअली करना है, और मैं भी आपको उस गाइडेंस पे गाइडेंस देने की कोशिश कर रहा हूँ, उस तरीके की गाइडेंस जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो डेफिनेटली फर्स्ट अटेम्प्ट शुड बी द लास्ट अटेम्प्ट फॉर यू ऑल, ठीक है। मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ। अब मैं जो भी इनसाइट दिया, पहली बात तो ये प्रैक्टिस आप 2 महीने रख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, और बाकी जो भी आपका रिमेनिंग मंथ है उसमें आप बढ़िया तरीके से थ्योरी पढ़ो, बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो, थ्योरी को ज़्यादा से ज़्यादा इस 2 महीने में बढ़िया तरीके से पढ़ने की कोशिश करो। इस 2 महीने में आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के बारे में सोचना नहीं है। हाँ, थ्योरी पढ़ते वक्त जो भी बीच बीच में क्वेश्चन कराया जाता है आपके एजुकेटर्स, आपके गुरुजीज द्वारा, जो भी आपके टीचर्स, जो भी जिससे भी आप पढ़ते हो, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो किसी ना किसी को तो फॉलो कर रहे हो, किसी ना किसी बुक को तो आप फॉलो कर रहे हो, तो उस बुक से आप क्वेश्चन जो भी थ्योरी के मतलब बेसिकली थ्योरी बुक में जो भी बीच बीच में क्वेश्चन रहता है उस क्वेश्चन को आप फॉलो करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इस थ्योरी पे ज़्यादा फोकस कीजिए। 2 महीने छोड़ के अगर आपका जो भी आपका रिमेनिंग मंथ्स रहेगा आपके एग्जामिनेशन के लिए, उसमें थ्योरी ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। ये था फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बढ़िया तरीके से, मतलब आपका हर एक डे, हर एक जो भी दिन है, हर एक दिन आप बढ़िया तरीके से गुजारने की कोशिश कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बेनिफिशियल कीजिए आपके पढ़ाई रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो भी कंसेप्ट रिलेटेड है, सारा कुछ समझ बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट ग्रैप करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए। जो भी आपका अभी आने वाले दिनों में आप थ्योरी पढ़ोगे, आने वाले दिनों में प्रैक्टिस करोगे, मतलब पढ़ाई रिलेटेड बातें, पढ़ाई रिलेटेड एनवायरनमेंट में आपका पूरा टाइम बिताना आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आने वाले दिनों में, वही आपको करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए आने वाले दिनों में, जो भी जब तक आपका एग्जामिनेशन ना हो जाए तो, ठीक है। और सबसे बढ़िया जो चीज़ है, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो अभी आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप ऐसा आपको लग रहा है कि मेरा जो दिन है बेसिकली हर एक दिन बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं रह रहा है, मतलब बेसिकली मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छी तरीके से पढ़ाई करने का, लेकिन वही बात है, डिस्ट्रैक्शन इज़ ऑलवेज देयर। तो डेफिनेटली डिस्ट्रैक्शन पे हम क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हमारा ख़राब कर रहे हैं। तो डेफिनेटली उस केस में आपको एक काम करना चाहिए, एक पेन और कॉपी निकालिए, एक कोई भी एक पेज निकाल लीजिए, या कोई भी आपके सामने अगर वाइट बोर्ड है इस तरीके का, अगर आपका बेसिकली मैं अगर दिखाऊं तो इस तरीके का अगर आपका वाइट बोर्ड है, तो बेसिकली इस वाइट बोर्ड पे आप क्या कीजिए, लिखिए, मैं आपको दिखाता हूं, तो इस तरीके का, तो ऐसे वाइट बोर्ड पे आप लिखिए, मतलब बेसिकली पूरा जो प्लान है, ठीक है, हर एक दिन का जो भी प्लान है उस प्लान को लिखिए। प्लान को लिखने के बाद उसका एक फ़ोटो आप हर एक का एक स्मार्टफोन होगा तो उस पर आप फ़ोटो खींच के रख दीजिए, और एक एक जो भी आपका प्लान था उस प्लान को नेक्स्ट डे एकदम बढ़िया तरीके से कोशिश कीजिए कंप्लीट करना, ठीक है। मतलब बेसिकली एक डेली रूटीन, एक डेली प्लान बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस दिन आप एग्जीक्यूट करने वाले हो उससे पहले, मतलब जस्ट उसके अगले दिन आप प्लान को बना के रख दीजिए, किसी भी जगह पे आप रख सकते हो, पेन कॉपी लेके भी आप लिख सकते हो, एक अलग से कॉपी बना के भी कर सकते हो, एक अलग से पेज लेके भी कर सकते हो, जो भी आपका मतलब है, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है, एक प्लान बनाना। अगर आप प्लान बना के कर रहे हो तो आपके लिए फ्रूटफुल होने वाला है आने वाले दिन, बेटरमेंट के लिए आप जाओगे, बेटर यूज़ कर पाओगे आपका जो भी टाइम है, ठीक है, उसका बेटर यूज़ कर सकते हो। तो ये जो भी चीज़ है ये आप ध्यान एकदम ध्यानपूर्वक सुनिए, और बहुत बढ़िया तरीके से इसको इंक्लूड करने की कोशिश कीजिए आपका एक प्रिपरेशन जर्नी पे, ताकि आपका प्रिपरेशन जर्नी अच्छा हो पाए, ठीक है। मैं यही कोशिश कर रहा हूँ आपको गाइडेंस देने की बढ़िया तरीके से, जो भी गलती लोग करते हैं आई हैव एक्सपीरियंस, सो उस एक्सपीरियंस को शेयर करने की मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे ही चैनल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेटेड वीडियोस मिलता है, जैसे करंट क्विक अपडेट्स, और साथ ही साथ एजुकेशनल वीडियोस, गाइडेंस, और बहुत सारा कंटेंट रिलेटेड वीडियोस भी मैं अपलोड करता हूँ। आप चैनल विजिट कर सकते हो, बढ़िया तरीके से एक्सप्लोर कीजिए चैनल को। काउंसलिंग रिलेटेड वीडियोस तो आने वाला है आपका, जो जब भी एग्जामिनेशन ख़त्म हो जाता है काउंसलिंग रिलेटेड वीडियोस तो आता ही रहता है, उसको आप बहुत ज़्यादा देखते भी हो, प्यार भी देते हो, लेकिन कंटेंट रिलेटेड वीडियोस को भी आप देखो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वो भी अच्छा है। आप कंटेंट रिलेटेड वीडियोस एक बार देख के देखो, जो भी आपका सिलेबस में, जो भी आपका करिकुलम पे आप देखो,
कंटेंट रिलेटेड वीडियोस भी बहुत सारे अपलोड मैं करता हूँ, ठीक है। बहुत पुराना जो वीडियोस है उसमें थोड़ा सा मतलब साउंड प्रॉब्लम है, लेकिन आने वाले जो अभी जो प्रेजेंट डेज में जो भी वीडियोस मैं डाल रहा हूँ वो एकदम बहुत बढ़िया है। आप देखो, एक्सपोजर कम है मुझे पता है, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ आप लोगों को कि आप भी देखो और शेयर भी करो आपके फ्रेंड्स सर्कल में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, इसको चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसे ही वीडियोस मिलता रहता है, और इस चैनल को लाइक करो। अगर कोई भी वीडियो, कोई भी कंटेंट अगर आपका अच्छा लग रहा है, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, कोई भी आपका डाउट है कमेंट कीजिए, आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।